तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है बार्मिक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी भी। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले और टॉपिक है कि व्हाट इज द मेगापिक्सल ऑफ अ ह्यूमन आई। आप क्या होगा कितना मेगापिक्सल है आपको, भले अपने कैमरे का, अपने फ़ोन के कैमरे का मेगापिक्सल पता होगा, 8 है, 12 है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई हमारे आंखों का मेगापिक्सल कितना है? ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। मेगापिक्सल, हमारे आंखों का मेगापिक्सल कितना है अगर उसको हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मेगापिक्सल्स क्या होता है ना। ठीक है, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ मेगापिक्सल्स क्या होता है। तो मेगापिक्सल मतलब क्या होता है, 1 मेगापिक्सल आपने सुना होगा कि बहुत पुराने पुराने फ़ोन आते थे बटन वाले जिसमें 1 मेगापिक्सल कैमरा होता था। तो 1 मेगापिक्सल मतलब कितने, 10 मिलियन पिक्सल्स। अब आप पूछोगे जी पिक्सल्स क्या होते हैं, तो पिक्सल्स एक ऐसे LED टाइप के छोटे छोटे कुछ एक सेंसर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगर आपके फ़ोन के कैमरा की, ठीक है, सपोज मैं आपके फ़ोन के कैमरे की बात करता हूँ, आपके फ़ोन के कैमरा में ना एक सेंसर लगा होता है जो कि सब आपका फ़ोन में जितने भी अब लाइट एंटर हो रहा है आसपास से, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर इन्फॉर्मेशन वो सब कैप्चर करते हैं। तो वो जो सेंसर पे सब चीज़ें जो कैप्चर करते हैं उनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि भैया आपके पास 1 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, आपके फ़ोन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फ़ोन में टोटल आपके जो फ़ोन में कैमरा है उसके जो सेंसर में, जो इमेज सेंसर में 10 मिलियन पिक्सल्स लगे हैं जो कि आपके सारे डिटेल, लाइट, इन्फॉर्मेशन ये सब कैप्चर करके फोटो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब तो इससे आप समझिएगा कि जितना ज़्यादा पिक्सल्स हो उतना ज़्यादा डिटेल्ड फोटो आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी फोटो आएगी, उतनी ज़्यादा तो मतलब चीज़ों के डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि देखो हमारी जो आँख है और हमारा कैमरा है उनमें सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंस भी है। डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा, सिमिलैरिटीज भी थोड़ी बहुत है। तो मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ कि हमारा आँख एक कैमरा की तरह कैसे है या फिर हमारा कैमरा एक आँख की तरह कैसे काम करता है मैं डिस्कस करूँ, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो तो रिफ्लेक्ट बैक होकर जब आपके आँख में पहुँचती है, आपका रेटिना डिटेक्ट करता है, तो आपके जो ब्रेन है उससे इमेज क्रिएट करता है। सिंपली कैमरा भी वैसे ही काम करता है। कैमरा क्या करेगा, आपके आसपास को लाइट को डिटेक्ट करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके कैमरे के लेंस पे आएगी, वो डिटेक्ट करेगा उसको और सिंपली इमेज क्रिएट करेगा। ठीक है, ये सिमिलैरिटी से डिफरेंस क्या है, देखिए दोस्तों डिफरेंस ये है कि आपका जो कैमरा है ना वो उस सेंसर, जो इमेज सेंसर है पिक्सल्स, उनकी वजह से इमेज क्रिएट कर पा रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारे आँखों में सेंसर की जगह रेटिना है जो हमारे इमेज को क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा एक डिफरेंस है। हाँ, तो मतलब हमारे टोटल आँखों में एक एक्चुअल में तो पिक्सल्स लगे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आँखों का एक पर्टिकुलर मेगापिक्सल है। ये मेगापिक्सल हमें बताया था डॉक्टर रॉजर क्लार्क ने कि हमारे आँखों का मेगापिक्सल है दोस्तों 576 मेगापिक्सल्स। ठीक है, आपको अब अभी सोच रहे हो भाई 576 मेगापिक्सल, मैं तो सोचा था भाई इससे बहुत ज़्यादा होगा, 1000 मेगापिक्सल का हमारे आँखें होंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो ये 576 मेगापिक्सल्स है ना दोस्तों, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं है, बट ये 576 मेगापिक्सल जो है ये सिर्फ 180 डिग्री व्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी आँखें टोटल 180 डिग्री व्यू कवर करती है, तो आप बताओगे जो अगर हमारे 120 डिग्री तक ही 576 मेगापिक्सल काम कर रहे, तो 180 डिग्री का क्या करते हैं भाई, वो ऐसे ही रह जाता है क्या? ऐसी बात नहीं है। देखो आपका कैमरा कैसे फोटो खींचता है, आपका कैमरा लेंस में कोई भी लाइट एंटर करेगा वो एक पर्टिकुलर स्पेस तक, एक पर्टिकुलर फील्ड तक ही वो लिमिटेड है कि भाई आप अगर कैमरे को इस एंगल में पकड़ते हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर एक फील्ड तक लिमिट है कि भाई मैं इतना ही एरिया कैप्चर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और जब वो उतना एरिया कैप्चर करता है वो सिर्फ एक बारे में कैप्चर करता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे क्या बोल रहे हो, वो पूरा इतना जो फील्ड है एक बारे में कैप्चर करता है, लेकिन हमारा ब्रेन, हमारा जो आँख है ऐसा नहीं करता है। हमारा पूरा जो फोटो हम आसपास की मतलब जो भी सीनरी देखते हैं वो एक बार में कैप्चर नहीं होती है। हमारा सिर्फ जो है ना 2 डिग्री तक की फील्ड ही एक बार में कैप्चर होती है, और जो बाकी जो फील्ड है ना वो हमारा जो आई है वो रोटेट करता रहता है धीरे धीरे, और सारी इमेज को कैप्चर करके उनको मर्ज करके एक तरह से पूरी इमेज बनाते हैं। मतलब हमारी जो आँखें हैं वो एक बार में सब इमेज कैप्चर नहीं करते, बारीक बारीक से इमेज कैप्चर करके एक साथ मर्ज करके, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि हमें पूरा एक बार में दिखता है सब कुछ।
ठीक है दोस्तों। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे आंखों का मेगापिक्सल कितना है, 576 मेगापिक्सल क्यों है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है पूरा 180 डिग्री की व्यू कवर कर, लेकिन हम बोल नहीं सकते सर, क्योंकि जो मेगापिक्सल शब्द है ना हमारे आंखों के लिए नहीं बना है, कि मेगापिक्सल हम उसी में इस्तेमाल करते हैं जिससे पिक्सल्स मौजूद हो। हमारे आंखों में पिक्सल्स हैं तो मेगापिक्सल की बातें करके फायदा है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर डिग्री तक हमारे आंखों का जो क्लियरिटी है, डिटेल जितना मेजर करता है, उसे डॉक्टर रॉजर क्लार्क ने बताया था कि 576 मेगापिक्सल हमारे आंखों की व्यू है। ठीक है दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों मैं आपको बता, उन 576 मेगापिक्सल है ना, सिर्फ 7 मेगापिक्सल मैटर करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे आंखें ना क्लियरिटी से एक बार में कितनी डिग्री की व्यू कैप्चर करती है, 2 डिग्री की व्यू, वो भी एकदम हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर करती है, ठीक है, एकदम क्लियरिटी में। जो सेंटर से 2 डिग्री की व्यू है ना, फील्ड है, वो कैप्चर करती है। तो उनमें जो 7 मेगापिक्सल है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते, कितनी क्लियरिटी इमेज आएगी वो 7 मेगापिक्सल आपकी मैटर करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी था, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मैं आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, आपको इस बारे में और भी कुछ जानना है, आपको और भी कुछ इन बारे में रिसर्च करनी है, तो आप जाइए, गूगल है आपके पास, नेट है आपके पास, आप जानते हो कैसे रिसर्च करते, कैसे सर्फिंग करते, तो जाइए इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिए, आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, वीडियो नहीं पसंद है तो भी लाइक करना दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे, और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले भाई उनके आंखों का मेगापिक्सल कितना होता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा पसंद आ गया, हमारा चैनल पसंद आता है, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना पसंद है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, थोड़ी बहुत साइंस, मिक्सचर, इन सब टॉपिकों का अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वो बटन लाल है तो उसको ग्रे कर देना, पास में बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।